हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, HAS प्रीलिम्स को टारगेट करने के लिए डी रॉ सीरीज़ के अंदर हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है, करंट अफेयर्स को भी कवर कर लिया है, और अभी हम जुलाई और अगस्त 2022 के जो करंट अफेयर्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। तो आज हम जो करने वाले हैं शुरू, दैट इज स्टेट न्यूज़ देखेंगे। अलग अलग जो स्टेट्स हैं किन चीज़ों के लिए न्यूज़ में थी उसके बारे में देखेंगे। शुरू करने से पहले, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS एकेडमी की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको HPS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2022 के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा, जिसके कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्सेज के अंदर करंट अफेयर्स की PDFs मिल जाएगी। इसके अलावा आपको हमारी ऐप के ऊपर स्पीड रिवीजन कोर्सेज भी मिल जाएंगे, और अगर आप कोई प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी जाकर आप इसके ऊपर अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। तो तेलंगाना के अंदर एक सोलर पावर प्लांट है जो कि लोकेटेड है, जो कि यहाँ पर हमारे इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, जो कि फोटोवोल्टेइक है। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो ये एक 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, जिसमें से अभी 20 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है वो अभी ऑपरेशनल हुआ है, जो कि 1 जुलाई 2022 से ऑपरेशनल किया गया है। अगर मैं यहाँ पे फोटोवोल्टेइक या फिर सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर सूर्य की जो रोशनी है उसको यूज किया जाता है, और अल्टीमेटली इन रेज को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, जो कि एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। तो दैट मींस यहां पे हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टारगेट्स हैं उसको भी अचीव करने के लिए यहां पे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के जो पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं उनको लगाया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्री श्रूज के बारे में। तो अगर मैं ट्री श्रूज के बारे में बात करूं तो ये स्क्विरल जैसे दिखने वाले एनिमल्स हैं, बेसिकली मैमल्स हैं। इनके जो फॉसिल्स हैं सबसे पहली बार यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में देखने को मिले, कुछ फॉसिल्स जो हैं वो वहाँ पर देखने को मिले हैं। अगर मैं बात करूँ कि ये जो ट्री श्रूज हैं बहुत कम नंबर में थे, इस वजह से इनके फॉसिल्स भी बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। इनके फॉसिल्स सिर्फ सीनोजोइक एरा के टाइम पे थोड़े बहुत देखने को मिले थे, लेकिन अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में इनके फॉसिल्स देखने को मिले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओडिशा की काई चटनी के बारे में। तो रिसेंटली काई चटनी के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो लेने की बात करी जा रही है। अगर मैं काई चटनी के बारे में बात करूं तो ये एक पर्टिकुलर एंट स्पीशीज से इस चटनी को बनाया जाता है। दैट मींस यहां पे एक एंट स्पीशीज होती है जो अपने नेस्ट्स बनाती है, और अल्टीमेटली उनके नेस्ट्स को कलेक्ट कर लिया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, और उसके बाद ही इस चटनी को प्रिपेयर किया जाता है। माना जाता है कि यहां के जो रहने वाले ट्राइबल्स हैं उनके लिए ये चटनी बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट भी है, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उन सबको क्योर करने के लिए इस चटनी को यूज किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कॉमन आपकी वूपिंग कफ हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, इन सबको भी ये ट्रीट करती है। इसके अलावा स्किन डिजीजेस होगी, फंगल डिजीजेस होगी, इन सबको भी ट्रीट करने का काम जो है ये चटनी करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्लूरी सीतारमा राजू जी के बारे में। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ था, और इनकी 125th एनिवर्सरी पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उन्होंने ब्रॉन्ज का स्टैच्यू अनवील किया है आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। तो अगर मैं इन फ्रीडम फाइटर के बारे में बात करूं तो इनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। इन्होंने गुरिल्ला रेजिस्टेंस जो है, गुरिल्ला वॉरफेयर जो है वो शुरू किया था। इसके अलावा जिस टाइम पे मेन इंडिया के अंदर आपकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही थी, उस टाइम पे आंध्र प्रदेश के अंदर एक रिबेलियन चल रहा था, जिसको हम रंपा रिबेलियन 1922 के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी अलग अलग एक्टिविटीज को प्रोटेस्ट करने के लिए, जैसे कि उन्होंने एक मद्रास फॉरेस्ट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि अल्टीमेटली इन ट्राइबल्स के जो फॉरेस्ट एक्ट हैं उनके अगेंस्ट जा रहा था। तो इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इन्होंने इन रिबेलियन को शुरू किया था। तो इस वजह से हमारे जो 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस अभी कंप्लीट हुए हैं, तो यहां पे जिसको हम आजादी के अमृत महोत्सव के नाम से भी जान रहे हैं, तो उस चीज के अंदर यहां पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स को रिकॉग्नाइज करने की बात कर रही हैं, तो इस वजह से इनका जो स्टैच्यू है उसको अनवील किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगेन पंजाब के बारे में। तो यहां पर डायरेक्ट सीडिंग मेथड जो है बहुत ज्यादा न्यूज में है, और इसका ऐसा माना जा रहा है कि इसका जो टारगेट है अभी तक अचीव नहीं हुआ है। तो अगर मैं डायरेक्ट सीडिंग मेथड के बारे में यहां पे बात करूं, जैसा कि आपको पता है कि जिस टाइम पे चावल को उगाया जाता है तो सबसे पहले नर्सरी के अंदर इसकी सैपलिंग्स को प्रिपेयर किया जाता है, और अल्टीमेटली इसके जो पौध होती है उसको फील्ड के अंदर लगाया जाता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा पानी को खड़े
रखने की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट सीडिंग मेथड के अंदर, तो डायरेक्टली इसके अंदर जो चावल है उसको फील्ड के अंदर डाल दिया जाता है, तो दैट मीन्स यहाँ पे सैपलिंग्स को लगाने की ज़रूरत नहीं है, उन सीड्स के अंदर से ही, दैट मीन्स जो राइस है उसके अंदर से ही सैपलिंग्स अपने आप आ जाएंगे और अल्टीमेटली इतना ज़्यादा पानी खड़े रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक तरह से बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट तरीका है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको यूजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि इसके अंदर आपको लेबर फोर्स की कम ज़रूरत पड़ेगी, पानी खड़ा रखने की कम ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ से पानी को सेव किया जाता है और इवन यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है उसको दोबारा रिचार्ज किया जाता है। जो नॉर्मल ट्रांसप्लांटेशन है आपकी, उसके अंदर राइस की जो फील्ड्स होती हैं उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है जिसकी वजह से जो पानी है अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाता और अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर जो है वो दोबारा रिचार्ज नहीं हो पाता। तो इस वजह से जो डायरेक्ट सीडिंग मेथड है वो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट तरीका जो है वो देखने को मिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेघालय के बारे में। तो रिसेंटली मेघालय की जो ट्राइबल काउंसिल्स हैं उनकी मीटिंग हुई है और इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि हमारा जो इंडियन यूनियन के साथ एक तरह से यूनियन हुआ था, तो उसमें जो हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया था उसको दोबारा से रिविजिट करने की ज़रूरत है। अब इन्होंने ऐसा बोला क्यों है, वो इसीलिए बोला है क्योंकि रिसेंटली मेघालय के अंदर एक बिल को अनाउंस किया गया था जिसका नाम है यहाँ पर खासी इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल 2021। तो यहाँ पर ये जो ट्राइबल काउंसिल है उन्होंने ये बोला है कि ये हमारी जो सोशल और कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं इसके अगेंस्ट जाता है, इस वजह से इन्होंने बोला है कि दोबारा से जो सिक्स शेड्यूल है उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। अब सिक्स शेड्यूल क्या है यहाँ पर, तो जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको अलग अलग शेड्यूल्स देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर अगर मैं सिक्स शेड्यूल के बारे में बात करूँ तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को बनाया जाता है अलग अलग ट्राइबल एरियाज के अंदर, जैसे कि इसके अंदर चार स्टेट्स इंक्लूडेड हैं, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। तो क्योंकि यहाँ पर मेघालय भी इंक्लूडेड है तो ऑफकोर्स मेघालय की भी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी। तो यहाँ पे आपको मेघालय के अंदर तीन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो देखने को मिलती हैं, एक गारो, एक खासी और एक जयंतिया। तो यहाँ पे जो आपकी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है मेघालय वाले रीजन के अंदर, उनके पास लेजिस्लेटिव राइट्स नहीं है, तो इस वजह से वो इस चीज़ को प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि दोबारा से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को रिविजिट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कर्नाटका वाले रीजन के अंदर, एक एंशियंट बुद्धिस्ट साइट है जिसको कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कंजर्व करने की बात करी है। कौन सी साइट है, आपको पता ही होगा कि अशोका के एडिक्ट्स हैं, उसमें से कुछ मेजर एडिक्ट्स हैं जो कि आपका एक सन्नति भी है जो कि कर्नाटका वाले रीजन के अंदर लाई करता है। तो सन्नति रीजन के आसपास एक ऐसी बुद्धिस्ट एक्सकेवेशन जो है वो देखने को मिली है, जो कि साइट जो है वो डिस्ट्रॉयड है और दोबारा से उसको रिट्रीव करने की बात करी जा रही है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसको कंजर्व करने की बात कर रही है। इवन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो साइट है वो कौन से रिवर पर लोकेटेड है, तो भीमा रिवर के नज़दीक ये साइट लोकेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक स्टैचू ऑफ पीस के बारे में, जो कि हमारे जो होम मिनिस्टर जी हैं उन्होंने कश्मीर वाले रीजन के अंदर अनवील किया है। अगर मैं स्टैचू ऑफ पीस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जो रामानुजाचार्य जी हैं उनका स्टैचू को अनवील किया गया है। अगर मैं रामानुजाचार्य जी के बारे में बात करूँ तो जैसा कि आप जानते होंगे 11th सेंचुरी के अंदर इनका बर्थ हुआ था और इन्होंने वैदिक लिटरेचर को यहाँ पर स्प्रेड करने की बात करी थी और हर एक कॉमन मैन तक वैदिक लिटरेचर को पहुंचाने का इन्होंने काम किया था। तो ये एक तरह से वैदिक फिलोसोफर और सोशल रिफॉर्मर भी कंसीडर होते हैं। तो यहाँ पे इनके स्टैचू को अनवील किया गया और इवन ये माना जाता है कि 11th सेंचुरी के अंदर ही इन्होंने कश्मीर वाले रीजन को विजिट किया था ताकि वहां से एक पर्टिकुलर मैन्युस्क्रिप्ट है जिसका नाम है बोध्यानवृत्ति। तो बेसिकली इसके अंदर ब्रह्म सूत्र की बात करी गई है, तो इनको लाने के लिए भी इन्होंने कश्मीर वाले रीजन के अंदर विजिट किया था। और इसके अलावा भी कश्मीर वाले रीजन के अंदर इंटीग्रेशन बनाने के लिए, इंटीग्रिटी लाने के लिए लोगों के अंदर, तो इस स्टैचू को अनवील किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में। तो यहाँ पर जो एपीडा है उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के असम वाले रीजन में एक प्लेटफॉर्म को खोला है। ये प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबल रहेगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के एग्रीकल्चरल एंड फूड प्रोसेस जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए। अगर मैं एपीडा के बारे में बात करूँ तो 1985 में इस अथॉरिटी को बनाया गया था जो कि हमारे कंट्री की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है ये। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को हमारे मेन स्ट्रीम जो इंडिया है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए भी, और यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसकी इकोनॉमी को भी बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म को यहाँ पर खोला गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
है तमिलनाडु वाले रीजन के बारे में, तो यहाँ पर अगर मैं तमिलनाडु के बारे में बात करूँ तो उन्होंने एक कमेटी को बिठाया था जिसका नाम है ए के रंजन कमेटी। और इन्होंने बेसिकली ये कमेटी इसलिए बिठाई थी ताकि चेक किया जा सके कि जो भी नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर ज़्यादा तमिलनाडु वाले बच्चों की इनरोलमेंट क्यों नहीं होती। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि जैसे कि आप जानते हैं कि जो नीट का एग्ज़ाम है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है जो MBBS और BDS की एडमिशन के लिए कंडक्ट करवाया जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। तो यहाँ पे ये देखने को मिला, इस कमेटी ने ये बताया है कि तमिलनाडु बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अगेंस्ट यहाँ पे बायसनेस देखने को मिल रही है। दैट मीन्स ज़्यादातर नीट के अंदर जो बच्चे बेसिकली जिनको एडमिशन मिलती है या फिर जो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं वो CBSE के स्टूडेंट होते हैं। और इवन इस कमेटी ने ये भी बताया है कि ये बेसिकली लर्निंग अ सब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं करती है, ये सिर्फ कुछ बच्चे जो हैं वो कोचिंग ले लेते हैं, वो एग्ज़ाम और जो आंसर के जो पैटर्न है उसको सीख लेते हैं और अल्टीमेटली इस एग्ज़ाम को क्लियर कर देते हैं। तो दैट मीन्स लर्निंग ऑफ सब्जेक्ट के ऊपर कम फोकस है। तो इस वजह से तमिलनाडु की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने एक बिल को इंट्रोड्यूस किया था जिसको कि गवर्नर का असेंट चाहिए था, तो गवर्नर ने वापस कर दिया और अल्टीमेटली दोबारा से गवर्नर के पास भेजा गया। तो गवर्नर ने यहाँ पर जो बिल है उसको प्रेजिडेंट के असेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास भेज दिया। तो अभी जिस बिल को असेंट जो प्रेसिडेंट की असेंट है वो नहीं मिली है, इवन इसके जो केसेस है सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है कि यहाँ पे नीट के अंदर तमिलनाडु वाले रीजन को एक्सक्लूड कर देना चाहिए, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया है, इस वजह से ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कालीबेन रिवर के बारे में। तो रिसेंटली हमारे जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर जी हैं उन्होंने कालीबेन रिवर को विजिट किया, वहाँ का पानी पिया और वो बीमार होकर हॉस्पिटलाइज हो गए, तो इस वजह से ये यहाँ पर न्यूज़ में थी। तो अगर मैं कालीबेन रिवर के बारे में बात करूँ तो आपका जो सतलुज और ब्यास है उसको आकर ये जो कालीबेन रिवर है वो उसके कॉन्फ्लुएंस पर मिलती है। इसके अलावा 165 किलोमीटर रिवर है जो कि होशियारपुर से यहाँ पर ओरिजिनेट होती है और अल्टीमेटली कपूरथला के अंदर ब्यास और सतलुज को जाकर मिलती है। इवन अगर मैं इस रिवर का सिग्निफिकेंस के बारे में बात करूँ तो ऐसा माना जाता है कि जो गुरु नानक देव जी हैं उनको भी इसी रिवर के ऊपर ही इसी नदी के किनारे ही इनलाइटनमेंट हुआ था। और अब अगर मैं इसकी बात करूँ कि इसको कालीबेन रिवर क्यों बोला जाता है, तो आसपास के जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां से जो वेस्ट वाटर होता है इस रिवर के अंदर ड्रेन हो जाता है और अल्टीमेटली इस रिवर का जो पानी है वो काला हो जाता है, तो इस वजह से इसका नाम जो है वो कालीबेन रिवर रख दिया गया है। तो आई होप आपको यहां तक हर एक जो न्यूज है वो समझ में आई होगी, कौन सी स्टेट किस चीज के लिए यहां पर न्यूज में थी वो भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।